हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो आज हम आए हुए हैं रोहिणी सेक्टर 24 पे, जहाँ पे हमें ये पूरी कासिल की शॉप मिली है। यहाँ पे अनलिमिटेड का बफेट लगा हुआ है, 129 रुपीज़ का बफेट है। वहाँ पे आपको दो नान, एक शाही पनीर और एक मिक्स वेज किया, मतलब आपको कोई सूखी सब्जी मिल सकती है। अब कुछ शॉप के ऑनर से बात करते हैं, मेकिंग देखते हैं, टेस्ट ट्राई करते हैं, टेस्ट कैसा है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या मतलब कैसे क्या मिलेगा हमें। तो आइए चलते हैं, फिर देखते हैं। तो हम शॉप के ऑनर से भैया से हम कुछ बात करते हैं। ये भैया का बोर्ड है, ये देख सकते हैं आप। आपको भैया पूरी कासिल के नाम से भैया की शॉप है, ये हमारे भैया हैं। भैया नमस्ते। गुड आफ्टरनून भैया। तो भैया आपने मतलब कैसे सोचा कि आपको ये 129 में आपको अनलिमिटेड देना चाहिए? हमने ये सोचा था कि सिंगल पर्सन के लिए 159 की थैली है हमारी, वैसे ये जो हम अलग आठ में देते हैं, लेकिन 129 के हमने इसलिए देखे ताकि सिंगल पर्सन हर कोई अफोर्ड कर पाए, वो भी अनलिमिटेड। तो भैया अपनी एक थाली में क्या क्या मिल जाएगा? एक थाली में आपको अनलिमिटेड दाल मखनी है, अनलिमिटेड शाही पनीर है विद अनलिमिटेड बटर। तो ये चीज़ें मिल सकती हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मैंने बहुत सुना है भैया का। मतलब हमने वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था, बहुत ही टेस्ट अच्छा है। कुछ मेकिंग देखते हैं, अंदर चलते हैं, मेकिंग देखते हैं, फिर मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ टेस्ट कैसा है। तो आइए चलते हैं, ये हमारे भैया हैं। ये आपको कभी भी आपको आना हो तो भैया से ज़रूर मिलें। भैया का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से सब भी करा मैंने खाना, बात करते हैं और थोड़ा मेकिंग देखते हैं, अभी मेकिंग चलते हैं। तो हमारी शाही पनीर बनी है ना भैया? तो भैया क्या डाल दिया आपने? टमाटो ग्रेवी। ये टमाटो ग्रेवी आ चुकी है इसमें, और ये आ गया व्हाइट ग्रेवी डाल दी भैया ने। आप ये देख सकते हो, बिल्कुल थिक सी बना दी है। अब क्या क्या डाला भाई बताते रहना। सॉल्ट, ये नमक आ गया, जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर आ गया, धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर डाल दिया भैया ने। क्या डाला ये? किचन किंग डाल दिया भैया ने। ये कसूरी मेथी, ये कस्तूरी मेथी आ गई, आप ये देख सकते हैं। चीनी, ये हल्की सी स्वाद के अनुसार भैया ने चीनी डाली इसके अंदर। देखिए बढ़िया सा लग रहा है, भैया ने इसमें आग तेज कर दी है थोड़ी सी, और इसमें अब जा रहा हमारा बटर, वो भी हल्का सा, ये देख सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा सा लग रहा है देखने में, और बहुत ही अच्छा देखने में, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब क्या डालें भैया इसमें? क्रीम, इसके अंदर हमारी क्रीम आएगी, ये देखिए, ये देख सकते हैं इसके अंदर हमारी क्रीम आ रही है। मतलब क्रीम का कोई मतलब वो नहीं है, हर बार की क्रीम डाली जा रही है इसमें, हमारी क्रीम भी आ चुकी है, और देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आ गया इसमें, और बढ़िया लग रहा है कलर देखने में। अगर डालो भैया इसमें पनीर ऐड, इसके अंदर पनीर ऐड हो रहा है अपना। और पनीर के पीसेस देखते हैं, पनीर के पीसेस कितने आते हैं इसके अंदर? ये हमारे पनीर के पीसेस, 5 पनीर के पीसेस डाल दिए भैया ने, और ये अनलिमिटेड है। आप इसे खाने के बाद और भी ले सकते हो, अनलिमिटेड है, खाना वेस्ट ना करें आप। मैं आपको शॉप के ओनर से और पूछ लूँगा कि अगर कोई चार्जेस होगा तो। तो अब हमारी दाल मखनी आ चुकी है, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब गाड़ी गाड़ी दाल मखनी हमारी है, और बहुत ही अच्छा लग रही है देखने में, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़। इसके अंदर सॉल्ट हुआ है, जीरा पाउडर आ गया इसके अंदर, अब कस्तूरी मेथी और धनिया पाउडर आ गया। अब कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं भैया इसमें, अब इसमें हल्की सी कस्तूरी मेथी आ गई है, ये देखिए बढ़िया लग रहा है। अब क्या ऐड होगा भैया इसमें अपना? इसमें थोड़ा सा बटर ऐड हो रहा है, ये देखिए थोड़ा सा हमारा बटर ऐड हो गया इसके अंदर, अभी इसमें बहुत ही अच्छा सा लगा देखने में। और इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा हमारा वाइट मक्खन, वाइट मेयोनीज जो होती है अपनी, क्रीम अमूल डेयरी की है, देख सकते हैं अभी मदर डेयरी की है अपनी, और इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल दी भैया ने, ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी सी लग रही है, ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो रहा था क्रीम डालने के बाद, वो बहुत अच्छा सा लग रहा है देखने में। अभी हमारी प्लेट में सर्व होएगी सीधी। तो भैया क्या लगा दिया आपने अभी? बटर नान, ये हमारे बटर नान लग रहे हैं भाई, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है बटर नान, ये हमारे बटर नान है, और दो पीस आएंगे आपके शुरुआत में, ये भी अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज में दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये दूसरी भी लगा दी है, ये देख सकते हैं बहुत ही, जो भैया इसमें ये थोड़े से छेद कर रहे हैं कि कोई हो जाए। तो हमारी नान रेडी हो चुकी है भाई, ये देख सकते हैं आप, ये वो बहुत ही अच्छी सी लग रही है हमारी, दूसरी नान भी रेडी हो चुकी है, दूसरी भी निकल रही है हमारी, ये देखिए आप। अब इसमें क्या लगना भैया? ये बटर लगेगा, इसमें बटर लगेगा, और ये इनका बटर है भैया। बटर कौन सा यूज़ करते हो? अमूल है, प्योर अमूल का बटर, ये प्योर अमूल का बटर है, ये देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा है, ये देखिए
कंजूसी किसी चीज़ में नहीं होती। नहीं, माल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। मतलब जितना चाह सकते हो आप उतना ले सकते हो, जितना मन में हो आपके लगवाइए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है खाने पीने में आपके। यहाँ पे तो पूरी कासल में आई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारी प्लेट तैयार हो गई है, आप चीज़ें चलते हैं प्लेट में, आपको मैं दिखाता हूँ कैसी प्लेट तैयार हुई हमारी। वहाँ में क्या प्लेट में क्या क्या मिलता है। प्लेट तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमारी शाही पनीर आ चुकी है, ये हमारे बटर नान आ चुके हैं, ये हमारी दाल मखनी आ चुकी है। आप ये देख सकते हैं ऊपर से वाइट मतलब क्रीम डाल रखी है, मदर डेरी की क्रीम है ये देखिए। और मक्खन भी डाल रखा है, ये ऊपर से बटर अमूल का मक्खन है भैया का, ये देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं आप पनीर के पीसेस, देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं ये देखने में। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, टेस्ट में टेस्ट कैसा है चीज़ का। ये हमारे बटर नान है, ये मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ। लाजवाब टेस्ट है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टेस्ट इतना मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मतलब कह नहीं सकता मैं। अब टाइम आपके, अभी ये दाल मखनी ट्राई करता हूँ मैं। मतलब स्वाद के बारे में कुछ कह नहीं पा रहा, इतना बढ़िया लग रहा है मुझे स्वाद इसका। अब मैं इसे फ्रीज करने के बाद आपसे मिलता हूँ, फिर बताता हूँ कैसा है। तो मैं आपको मतलब टेस्ट बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। खाना उतना ही लें जितना आपसे खाया जाए, खाने को वेस्ट ना करें। पेनल्टी है, भैया से बात करेंगे पेनल्टी कितनी है वेस्ट करने पे। और हमें से खाते हैं और दोबारा लेते हैं भैया से, भैया को अच्छे से लूट के जाना है। और मुझे तो बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है, तो मुझे तो लग रहा है मैं 2-3 प्लेट खाई जाऊँगा। और बहुत मतलब टेस्ट बहुत बढ़िया है, और उतना ही खाना लें जितना आपसे खाया जाएगा, मतलब खाने को वेस्ट ना करें। भाई हमारा ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खाना था, हमने तो पूरा फिनिश कर दिया है। और कुछ भैया से बात करते हैं कि चार्जेस क्या क्या है अगर खाना वेस्ट होता है तो। अपना अगर ज़्यादा खाना वेस्ट होता है तो कोई चार्ज है इसका? कोई भैया चार्ज नहीं है। तो भैया फिर कैसे अगर खाना वेस्ट करता तो हम उसको ये बोल सकते ताकि कहीं भी जाए वो वेस्ट ना करें, उसको बचाए। लेकिन हाँ ऐसा कोई चार्ज ले नहीं कर उसको बोल सकते हैं, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। भैया कह रहा है कि हम सब बोल सकते हैं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ उतना ही लें जितना आपसे खाया जाए, खाने को वेस्ट ना करें। बस इतनी ही गुजारिश है आपसे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको एक बार एड्रेस और समझा दूँ, भैया एड्रेस और समझा दूँ। शॉप नंबर 28 बाज मॉल रोहिणी सेक्टर 24, नियर बाय हमारे बाज मॉल है। आप ये देख सकते हैं बाज मॉल हमारे नियर में ही पड़ता है, जस्ट बगल में भैया की पूरी कासल शॉप मिल जाएगी। आप ये देखिए पूरी कासल के नाम से भैया की पूरी शॉप है, ये हमारे भैया शॉप का ऑनर है। आप आइए आइए मौज लीजिए, खाने को वेस्ट ना करें। 100 रुपये चार्ज होगा जब भी, अगर जैसे मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ खाना वेस्ट बिल्कुल ना करें। और बाज मॉल आपको नियर में मिल जाएगा, देख सकते हैं आप ये। और आइए खाइए, टेस्ट बहुत बढ़िया है, टेस्ट में मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भर भर के आपको दिया जाएगा, खाइए, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे ऐसा कंटेंट बनाने में, आपके लिए ऐसी वीडियो लाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को मेरे पे, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।